दूसरा सैमुएल दसवां बाब। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनियमून का बादशाह मर गया और उसका बेटा हनून उसका जानशीन हुआ। तब दाऊद ने कहा कि मैं नाहस के बेटे हनून के साथ मेहरबानी करूंगा, जैसे उसके बाप ने मेरे साथ मेहरबानी की। सो दाऊद ने अपने खादिम भेजे ताकि उनकी मारिफत उसके बाप के बारे में उसे तसल्ली दे। चुनाचे दाऊद के खादिम बनियमून की सरजमीन में आए और बनियमून के सरदारों ने अपने मालिक हनून से कहा, तुझे क्या ये गुमान है कि दाऊद तेरे बाप की ताजीम करता है कि उसने तसल्ली देने वाले तेरे पास भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने खादिम तेरे पास इसलिए नहीं भेजे हैं कि शहर का हाल दरियाफ्त करके और इसका भेद लेकर और इसको गारित करे? तब हनून ने दाऊद के खादिमों को पकड़कर उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाई और उनकी पोशाक बीच से सोरेन तक कटवाकर उनको रुखसत कर दिया। जब दाऊद को खबर पहुंची तो उसने उनसे मिलने को लोग भेजे, इसलिए कि ये आदमी नहायत शर्मिंदा थे। सो बादशाह ने फरमाया कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी ना बढ़े यरहू में रहो, उसके बाद चले आना। जब बनियामोन ने देखा कि वो दाऊद के आगे नफरत अंगेज हो गए, तो बनियामोन ने लोग भेजे और बैते रोहोब के अरामियों और जोएबा के अरामियों में से 20,000 प्यादों को और मैका के बादशाह को 1,000 सिपाहियों समेत और तौब के 12,000 आदमियों को उजरत पर बुला लिया। और दाऊद ने ये सुनकर युआब और बहादुरों के सारे लश्कर को भेजा। तब बनियामोन निकले और उन्होंने फाटक के पास ही लड़ाई के लिए सफ बांधी, और जोबा और रुहोब के अरामी और तौब और माका के लोग मैदान में अलग थे। जब युआब ने देखा कि उसके आगे और पीछे दोनों तरफ लड़ाई के लिए सफ बंधी है, तो उसने बनी इसराइल के खास लोगों को चुन लिया और अरामियों के मुकाबले उनकी सफ बांधी और बाकी लोगों को अपने भाई अबीशे के हाथ सौंप दिया, और उसने बनी अमोन के मुकाबले सफ बांधी। फिर उसने कहा, अगर अरामी मुझ पर गालिब होने लगे तो तू मेरी कुमक करना, और अगर बनी अमोन तुझ पर गालिब होने लगे तो मैं आकर तेरी कुमक करूंगा। सो खूब हौसला रख और हम सब अपनी कौम और अपने खुदा के शहरों की खातिर मर्दानगी करें, और खुदावंद जो बेहतर जाने सो करे। पस युआब और वो लोग जो उसके साथ थे अरामियों पर हमला करने को आगे बढ़े, और वो उसके आगे से भागे। जब बनियामोन ने देखा कि अरामी भाग गए, तो वो भी अबीशे के सामने से भागकर शहर के अंदर घुस गए। तब युआब बनियामोन के पास से लौटकर यरूशलेम में आया। जब अरामियों ने देखा कि उन्होंने इसराइलियों से शिकस्त खाई, तो वो सब जमा हुए, और हदर अजर ने लोग भेजे और उन अरामियों को जो दरियाए फरात के पार थे ले आया, और वो हलाम में आए, और हदर अजर की फौज का सिपा सालार सोबक उनका सरदार था, और दाऊद को खबर मिली। सो उसने सब इसराइलियों को इकट्ठा किया और यर्दन के पार होकर हलाम में आया, और अरामियों ने दाऊद के मुकाबले सफराई की और उससे लड़े, और अरामी इसराइलियों के सामने से भागे, और दाऊद ने अरामियों के 700 रथों के आदमी और 40,000 सवार कत्ल कर डाले, और उनकी फौज के सरदार
سبق کو ایسا مارا کہ وہ وہیں مر گیا اور جب ان بادشاہوں نے جو حیدر ازر کے خادم تھے دیکھا کہ وہ اسرائیلیوں سے ہار گئے تو انہوں نے اسرائیلیوں سے صلح کر لی اور ان کی خدمت کرنے لگے غرض ارامی بنی امون کی پھر کمک کرنے سے ڈرے